हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं लवबर्ड्स ब्रीडिंग। और एक नई वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूं, एकदम अलग वीडियो है। और ये मेरे जो कोकाटील हैंड फीडिंग, इनको मैं करा रहा हूं। करीब 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा। कुछ होम ब्रीड हैं, कुछ परचेज़ किए हुए थे, तो इनको मैंने नाम दिया है आतंकी कोकाटील चिक्स। वो मैंने किस लिए दिया है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको अपने आप दिखेगा अभी मैं जब इनको हैंड फीड कराऊँगा। और मैं इनको हैंड फीड जो करा रहा हूँ, A19 करा रहा हूँ। करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे कराते हुए इनको, और बहुत छोटे चिक्स थे। मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कितने छोटे मैं चिक इनको लेके आया था, और अभी जो है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं। और अपने से खाना भी इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं इनको इनके हाल पे अभी बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी मैं इनको छोड़ दूंगा इनके हाल पे तो ये थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपको जैसे मैंने नाम दिया था आतंकी कोकाटील चिक्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने इनको आतंकी नाम दिया है। और पूरा एकदम टूट पड़ते हैं मेरे ऊपर। मैं अगर चाहूँ भी कि ये आराम से रहें, क्योंकि सबको मिलना है वन बाय वन, लेकिन ये एक पक्षी हैं तो इनको नहीं मालूम कि सामने वाला जो है इनको देगा कि नहीं। बस अपने पहले बारी आने का इंतज़ार करते हैं कि बस पहले मुझे खिला दो, पहले मुझे खिला दो, मेरी भूख ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से सारे कोकटील एक साथ टूट पड़ते हैं मेरे ऊपर। देख सकते हैं कोई सर पे चढ़ रहा है, कोई कंधे पे चढ़ रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए फीड कराना, बट मुझे मज़ा भी आता है इसमें। और मज़ा आता है मैं जब भी इनको फीड बना के लेके जाता हूँ, तो जब ये मुझे अपना पेरेंट समझ के देखते हैं कि अब मुझे ये खाना देंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि ये क्या पैरट पालते हैं, कोई भी पैरट पाले, आप कोकाटील लें चाहे लवबर्ड लें, तो जो नॉर्मल होते हैं मतलब टेम करे नहीं रहते हैं, तो वो आपसे डरते हैं। आप उनको कितना भी खाना दे दीजिए तो वो डरेंगे आपसे जब भी उनको आप खाना देने जाएंगे। लेकिन एक इनका प्यार आप देखिए कोकाटील चिक्स का, कि कितना ये लोग समझदार होते हैं। और ये समझ जाते हैं कि आप इनको खाना देने आ रहे हैं तो आप ही इनके माँ बाप हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये आतंक मचाते हैं खिलाने के लिए। सब चाहते हैं कि एक साथ मेरा नंबर आए, एक बार मैं 9 बच्चे हैं तो 9 सिरिंज में लेके आऊँगा और 9 के 9 को एक साथ खिला दूँ, ये चाहते हैं। बट कोई नहीं, सबकी बारी आती है। धीरे धीरे मैं एक एक करके सबको खिला देता हूँ, और खिला खिला के मैं अंदर बंद करते जाता हूँ ताकि बाकी को जो है आराम से मैं खिला सकूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी उछल रहे हैं ये लोग, बस जल्दी से खा लें। और खाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये बड़े हो गए हैं तो मैं ज़्यादा इनको फीड नहीं कराता हूँ। अगर मैं ज़्यादा फीड कराऊँगा इनको तो ये खाना नहीं खाएंगे और बस फीड के दम पे ही बस पलते रहेंगे, और बहुत मुश्किल होगा इनके लिए जल्दी सीख पाना। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस 10 से 12 ml इन लोगों को खिलाता हूँ, जबकि इनके क्रॉप में जगह 20 ml से 25 ml तक होती है। 20 ml तक भी आप आराम से इनको फीड करा सकते हैं, बट मैं पूरा क्रॉप इनका नहीं भरता हूँ, आधा ही भरता हूँ, ताकि जब इनका क्रॉप खाली हो जाए तो ये अपने से खाने की कोशिश करें। तो कुछ चिक्स इसमें, दो तीन चिक्स हैं जिनकी आपको टेल देख के समझ में आ रहा होगा अभी छोटे हैं, बाकी ज़्यादातर चिक्स की टेल जो है एकदम लंबी हो गई है, फुल कोकाटील की जैसी। ये आप देख सकते हैं अभी मेरे ऊपर कूद रहा था, मुझे बहुत बचना पड़ता है। और ये ग्लव्स आप देख रहे होंगे, तो काफ़ी लोग इस पर बोलेंगे कि डॉक्टर के तरीके से मैं फीड करा रहा हूँ, या फिर इनको पकड़ने से गंदगी वगैरह मुझे लगेगी इसलिए मैं ग्लव्स पहना हूँ, या और भी कुछ रीज़न आप सोचेंगे मन में। लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से किसी चीज़ से बचने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको अपना हाथ दिखाता हूँ ये स्क्रीन पे। जब मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा था तो इन्होंने मेरे हाथ का ये हाल किया था, और ग्लव्स मैं इसीलिए पहनता हूँ कि ये एकदम से कूदते हैं मेरे हाथ के ऊपर, और उससे इनके नेल्स जो हैं वो स्किन को स्क्रैच कर देते हैं, ताकि जिससे मेरे लगती है काफ़ी पेन भी होता है उससे। पूरे दिन जो नया ज़ख्म रहता है, पूरे दिन उससे जलन मचती रहती है जब सोप वगैरह लगाता हूँ, तो इससे बचने के लिए मैंने ये ग्लव्स का यूज़ किया है, तो इससे काफ़ी आराम है। अब इनके जो नेल्स हैं वो मुझे नहीं लगते हैं, आराम से मैं फीड कराता हूँ, जब फीड करा लेता हूँ तो ग्लव्स उतार के मैं यहीं पर रख देता हूँ। तो देख सकते हैं सारे चिक्स को मैं खिला खिला के अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन अंदर आप इनका आतंक देख रहे होंगे अभी भी, ये जिस तरह आपसे आतंक मचा रहे हैं कि इनको और खाने को चाहिए। और
अभी मैं बस दो तीन जो बच्चे बच्चे हैं उनको मैं फीड करा देता हूँ। और ये जो चिक्स हैं दोस्तों, करीब चार पांच पेरेंट्स के निकले हुए हैं, अलग अलग पेरेंट्स के, तो मैं कोशिश करूँगा इनको होल्ड करने की। और टेम बर्ड का दोस्तों मज़ा ही अलग रहता है। मेरे पास एक ब्रीडर पेयर है, उसका मेल मेरा टेम था, तो वो जो है बहुत खुश होता है जब भी मैं उसको फूड रखता हूँ आके। वो पहले से फूड के बाउल के पास आ जाता है, डरता क्योंकि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने उसको भी हैंड फीड करा के पाला था। तो आपके बर्ड सेटअप में जब ऐसे बर्ड होते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपसे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, तो आपका जो शौक़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका मन बार बार करता है कि चलो भाई सॉफ्ट फूड का टाइम हो गया है, सॉफ्ट फूड डालते हैं। तो जब आप उनको बर्ड को देखते हैं तो आपको मज़ा आता है। तो ये एक वाइट फेस का चिक है जिसको चारकोली बोलते हैं, और ये चिक जो निकला है वो अल्बाइनो और चारकोल से निकला हुआ है। तो इसके अंदर भी अल्बाइनो के जीन है। जब मैं अल्बाइनो से इसको क्रॉस कराऊंगा तो इससे ब्लड लाइन मज़बूत होगी, और अल्बाइनो पाइड और चारकोल समाएंगे। देख सकते हैं मैं एक चिक को अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, बट तीन चिक फिर से बाहर आ गए। मैं इनको भी अंदर डाल देता हूँ, और इसमें मैंने एक अपना एडल्ट पेयर छोड़ रखा है ताकि जब वो खाने के लिए उतरेगा तो बाकी चिक्स भी उसको देख के खाने उतरेंगे। तो आप भी अगर हैंड फीड कराते हैं चिक्स को और वो जब बड़े हो जाते हैं तो आप भी यही करें। एक दो पीस जो आपके पहले से सेटअप में हैं, जो अपने से खाते हो, तो उनको आप उनके बच्चों के साथ में छोड़ दीजिए, जिससे आपके चिक्स जो हैं वो देखेंगे और बहुत जल्द ही वो भी सेल्फ हो जाएंगे। तो इन कोकाटेल के साथ में एक मैंने जो है लवबर्ड का भी चिक डाल रखा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये एक बच्चा बचा हुआ है और ये भी दोस्तों फीड कर चुका है। अभी शायद सारी ही चिक्स हैंड फीड ले चुके हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं 10 से 15 दिन या 20 दिन मुझे और इनको कराना पड़ेगा। एक चिक दोस्तों सिंक में चला गया था उड़ के, तो उसको भी मैं ला के फीड करा देता हूँ। ये वो बच्चा है दोस्तों। अभी जैसे कि रमज़ान का टाइम चल रहा है तो मेरा पूरा रोज़ा बर्ड्स में ही निकल जाता है, क्योंकि इनको दिन में 3 बार फीड कराना है। उसके बाद बर्ड्स को जो ब्रीड कर रहे हैं उनको सॉफ्ट फूड भी रखना है। तो मेरा सुबह सहरी में उठना, उसके बाद नमाज़ पढ़ के जो बर्ड्स में लगता हूँ, तो बस थोड़े थोड़े देर का टाइम मिलता है। उसके बाद बस 1 घंटे बाद फिर कोई नया काम आ जाता है बर्ड्स को लेके। तो आराम से रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं धीरे धीरे। आज करीब 16वां रोज़ा हो गया है, बस 13 या 14 रोज़े बचे हैं, बिल्कुल पता नहीं चले। और बर्ड्स की केयर भी दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल लगती है ऐसे में, क्योंकि पूरे दिन जो है रोज़े की हालत में बर्ड्स के ऊपर 4 मंजिले पे सेटअप बना हुआ है, 4th फ्लोर पे, तो बार बार ऊपर नीचे करने में भी हालत ख़राब होती है। और ये बच्चा आपको दिखाता हूँ मैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो का है, होम ब्रीड। ये सेकंड जो है पेल फेलो मेरे यहाँ ब्रीड हुआ है। एक बच्चा पहले बार में निकला था, वो मेरे पुराने चैनल में मैंने वीडियो डाली थी। और ये मैं निडल से इसको फीड कराता हूँ, क्योंकि लव बर्ड से मुझे निडल से करने में आदत है। बाकी कोकाटील को मैं निडल से नहीं कराता हूँ, कोकाटील बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन को शेक करता है। बाकी लव बर्ड जो है एकदम आराम से फीड कर लेता है, और निडल जो है मैं एकदम आराम से बिल्कुल इत्मीनान से उसकी मुंह से डालता हूँ। और मुझे आइडिया हो गया है, करीब मैं 4-5 साल 6 साल से निडल से लवबर्ड को फीड करा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं आती है निडल से फीड कराने में, आराम से फीड कर लेता है। और इससे दोस्तों ये रहता है कि चिक जो है वो गंदा नहीं होता है। क्रॉप में आप देख सकते हैं खाना आ गया है, और इसके जो नीचे के फैदर हैं वो इसके पेरेंट ने प्लग कर लिए, तो इसीलिए मैंने हैंड फीड पे इसको उठाया था। वरना मैं लवबर्ड को हैंड फीड पे नहीं उठाता हूँ, मैं उनके पेरेंट्स से ही पलने देता हूँ, बट जब मजबूरी पड़ जाती है तभी मैं उनको हैंड फीड कराता हूँ। तो ये कोकाटील के चिक्स को अभी मैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है 2-3 ml वो मैं फीड करा देता हूँ। और वीडियो भी दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई है, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ही मैं मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट करें हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और मज़ेदार वीडियो बनाऊँ तो उसका आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। तो देख सकते हैं फीड ये कर चुके हैं, उसके बाद भी इन लोग का पेट नहीं भरता है। अभी मैं चाहूँ इनको और 5 से 6 ml 10 ml फीड करा सकता हूँ, लेकिन अब इन लोग के लिए ये गलत होगा, क्योंकि इनको अपने से भी सीखना है, और अपने से जब सीख जाएंगे तो मेरी भी थोड़ी सी
मेहनत कम हो जाएगी और ये अपने से खाना खा लेंगे। तो ये आप चिक्स देख सकते हैं मेरे पीठ के ऊपर बैठे हैं, और अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है जब ये आपके ऊपर चढ़ के बैठते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट है बर्ड का आपके साथ, जो आप चाहते हो कि हमेशा बना रहे। और कोकाटील दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं टेम बर्ड करने के लिए, एक बार ये टेम हो जाते हैं तो फिर हमेशा टेम बने रहते हैं, जबकि लव बर्ड वगैरह ऐसे होते हैं कि एक बार टेम करने के बाद अगर आपने उनको केज में डाल दिया दूसरे बर्ड के साथ तो वो एक दिन में ही आपको भूल जाते हैं। बट कोकाटील जो है वो हमेशा टेम रहते हैं अगर आपने एक बार उनको टेम कर लिया, और बहुत ज़्यादा इनसे मज़ा भी आता है, डांस वगैरह करते हैं, बोलते भी एकदम नॉर्मल बर्ड की तरह है, जैसे नॉर्मल पैरट बोलता है अपना उस तरीके से बोलते हैं ये भी। मेरा वाला जो कोकाटील है टेम वाला, वो मिट्ठू बोलता है, सीटी बजाता है खूब अच्छी, तो उसको भी मैंने टेम किया था। तो अब चलिए दोस्तों इनको फीड करा लिया है, काफ़ी लंबी वीडियो हो भी गई है, तो वीडियो को अब यहाँ पर एंड करते हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ मज़ेदार, और तो आप उसको इन्जॉय कर सको। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, और जैसे ही ये कोकाटील सेल्फ होंगे मैं इंशाल्लाह इनकी वीडियो बनाता रहूँगा, और भी बर्ड्स की जो ब्रीड हो रही है उसके ऊपर भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।